Hello, good morning. How are you, student? I hope you will stay at home. I am Amit Rai, computer teacher. Today, I will explain class 7th student number system. Student, in early day, people were no counting machine. They were counting bones, stones, sticks. Many number system introduced in the passes the times. So there are number systems are four in your subject: binary number system, decimal number system, octal number system, hexadecimal number system. Student, binary number system means base 2, 0 or 1. Student, आपसे मेरा यही है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, आप एक रफ और पेन लेकर के अपने साथ बैठे और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही आप प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा. तो स्टूडेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम मीन्स होता है, बाइनरी मीन्स बाई मीन्स होता है, बाई से समझिए, बाई मीन्स टू, जीरो और वन. तो बेस इसका टू है स्टूडेंट, इसको लर्न कर लीजिएगा. बाइनरी नंबर सिस्टम बेस टू, डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10, डेसिमल बेस 10, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8, ऑक्टल मीन्स 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16. अब स्टूडेंट, अब ये बेस 2 का मीन्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं. जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 मतलब इसका ये होगा 0 और 1. स्टूडेंट, ये नंबर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर 0 और 1, इसी बेस पे आपका काउंटिंग चलता है. जैसे आप देखते होंगे ऑन और ऑफ करने वाली होती है ना स्विच, तो किसी स्टैंडर्ड जो स्विच होती है उसमें 0 और 1 लिखा रहता है. तो 1 मीन्स होता है ऑन और 0 मीन्स होता है ऑफ. ठीक, नेक्स्ट हम बता रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10. कोई भी नंबर सिस्टम होगा स्टूडेंट तो वो 0 से काउंट होगा. आप ये कन्फ्यूजन में ना रहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. आपको करना क्या है, 0 से स्टार्ट करना है. अब 10 बनाइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. स्टूडेंट, ये डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9. अब इसको काउंट करेंगे आपका 10 हो जाएगा. काउंट करिए मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 डिजिट है ये, 0 to 9 आपको काउंट करना है. स्टूडेंट, ये टोटल मैथ पे डिपेंड है. आपको अगर मैथ आती है तो आपके लिए बहुत इजी है. और खैर, इसको आप ट्राई करें. ये आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके एग्जाम में, आप इसको क्या. अब हम आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो आप लोग कैसे करेंगे देखिए, 0 से फिर स्टार्ट करिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 to 7. अब डिजिट काउंट करिए, देखिए 8 होता है कि नहीं काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो स्टूडेंट, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो 8 कहेंगे, काउंटिंग करके बताइए, तो कहेंगे आप लोग सर 0 to 7. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. फिर हम आगे हम आपको बताते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका होगा 0 to 9. क्या होगा, 0 to 9 एंड 8 to F. 0 to 9 एंड 8 to F. जब हम इसके बारे में बताएंगे स्टूडेंट, 0 to 9 देखिए कैसे 16 होगा. देखिए इसके बारे में यही चीज इसी का सेम मैं बता रहा हूं. 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 0 to 9 यहां तक तो आए. जब 10 होगा स्टूडेंट तो ए उसको मानते हैं, 10 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए मानते हैं. तो फिर आप लिखेंगे ए बी सी डी
ई एफ। अब आप हमारे साथ काउंटिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट? आप लोग ऐसे ही रफ पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार जब आप अपने रफ पे प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट तो फिर आपको बहुत इम्प्रूव होगा, और एक बार आपको जब दिमाग में याद हो जाएगा, आपके मेमोरीज में स्टोर हो जाएगा, जैसे कहा नहीं जाता कंप्यूटर का एक पार्ट्स होता है मेमोरी, जो बहुत ही स्टोर करने की उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ऐसे ही हम मेरा ब्रेन है, लाइक ए सीपीयू, जैसे हम लोग का सीपीयू होता है यही हम लोग का सीपीयू है, तो आप अपने सीपीयू में इसको स्टोर करिए स्टूडेंट। ये आपको नोट कर लेंगे स्टूडेंट, और हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम स्टूडेंट बेस 2, 0 एंड 1। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको आता है कन्वर्ट करने के लिए, चेंज बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, तो स्टूडेंट आपको ये बेस समझ गए। अब ये आपको हम पूछते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम 0 to 1, अगर हम आपको ऐसे दे देते हैं, पहले हम आपको डेसिमल नंबर सिस्टम पे बताते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, चेंज 25 क्वेश्चन मार्क्स 2। अब आप बताओ स्टूडेंट, अगर हमने यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या बोला था, बेस 10, तो बेस 10 का मतलब क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम है कि नहीं है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में। तो अब इसका सिंपल सा ये, आपको एलसीएम आता है, आप लोगों ने एलसीएम 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, तो ऐसे ही एलसीएम है, आप हमारे साथ इसका फैक्टर निकालेंगे 25। ये आप ऐसे टू पार्ट्स में करेंगे, ऐसे करिए हमारे साथ रफ में अपना प्रैक्टिस करिए, इसको ऐसे करिए स्टूडेंट, यहां बेस 2 है, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, हर बार आप 2 से ही डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, आप ये दिमाग में बनाए, हर बार 2 से डिवाइड करेंगे, ये लिखा ना चेंज 25 डेसिमल, कन्वर्ट इसको किस में करना है, बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आएगा 2 1 2 और 2 2 4। अब ये बताओ स्टूडेंट रिमाइंडर आपका क्या बनेगा, जैसे यहां पे देखिए 2 से 25 में आप डिवाइड किए तो 2 1 2 2 2 4 आपका रिमाइंडर बना है ना, ये रिमाइंडर जो 1 आएगा उसको हमको यहाँ पे लिखना है, क्या हम लिखना है इसके साइड, इसी वजह से मैंने बताया यहाँ पे लिखना है, फिर आपको 2 से ही फिर डिवाइड करना है, फिर आप करेंगे तो 2 6 6 आएगा और रिमाइंडर इसका 0 आएगा, एक बार यहाँ पे देख लीजिए 2 6 12 रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट, 0 आया ना, 0 आया यहाँ पे, 0 हमने लिख दिया, फिर अब आप फिर आप किससे फिर करेंगे, फिर 2 से सेम करेंगे 2 से, तो ये 6 फिर आप ऐसे फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6 आपका 0 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे फिर 0 आया, फिर स्टूडेंट फिर हम जब तक इसकी फैक्टर या तो 0 और 1 पूरा मतलब इसको नीचे तक जाना पूरा इसका करना हमको एलसीएम निकालना, फिर 2 से 2 1 2 और यहाँ पे फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका 1 ही आएगा, यहाँ पे हम दिखाते हैं 2 1 2 रिमाइंडर 1, ये यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे हमने ये 1 लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको कैसे इसको लिखना है, कैसे आपको लिखना है, यहां से बॉटम टू टॉप कहां तक चलेंगे स्टूडेंट, बॉटम टू टॉप तक चलेंगे, तो यहां पर इसको लिखने का तरीका क्या है, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, ये आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ 1 1 0 0 1, ये आपका आंसर है। आ रहा स्टूडेंट समझ में आया सबको,
एक बार हमारे साथ इस नंबर को हमारे जैसे मैंने किया आप इसी क्वेश्चन को सेम प्रैक्टिस करिए और आपको तब अब समझ में आएगा। जब एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे फिर इसके बाद कमेंट करिएगा सर थोड़ा और क्वेश्चन इसमें डालिए तो हम और क्वेश्चन डालेंगे और करके बताएंगे, या आप हमको जो क्वेश्चन पूछना है उसमें कमेंट में डालिएगा सर इसका निकालिए बाइनरी टू डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी तो हम इसका निकालेंगे। अरे स्टूडेंट फिर अब हम इसके बाद अब ये हमारा ये आंसर है, अब हम कैसे चेक करें मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो अब हम आंसर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर आ गया, यहां पे आपका आंसर हुआ 11001, ये आपका आंसर है। अब यही सेम क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं यही आपसे सेम अगर हम यही लिखते हैं 111 ठीक, और यहां पे इसकी बेस टू इसको चेंज करना है क्वेश्चन मार्क 10 मींस क्या हुआ कि 11001 बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट किस में करना है स्टूडेंट डेसिमल में, आ रहा समझ में? तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करना है स्टूडेंट तो हम इसका क्या करते हैं 2 का मल्टीपल करते हैं, जैसे इसका लिखा ना 11100 हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे स्टूडेंट, बहुत आसान तरीके से क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी होगा। यहाँ पे 1 ये लिख लेते 11001 ठीक स्टूडेंट। अब यहां पे या तो यहां पे देखिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यहां पे 0 ये 1 डिजिट पे है 1 प्लेस पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, तो फिर हम लिखेंगे क्या ये 1 और क्या है 1 into 2, सब में 1 into 2 लिखते जाएं, सब में 1 into 2, ये 2 कौन सा है, ये बाइनरी वाला, ये कौन सा 2 है 1, पहले तो हमने ये लिखा 1 1 फिर ये लिखा 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1 into 2 फिर 0 into 2 फिर 1 into 2 ये सब प्लस का सिंबल है बीच में, ये सब में प्लस का सिंबल, इसके पावर क्या है स्टूडेंट 2 के पावर 4, इसके पावर 3, इसके पावर 2, इसके पावर 1 और इसके पावर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 4 मतलब ऐसे लिखेंगे 1 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 को 4 टाइम्स में लिखना है प्लस 1 into 2 into 2 into 2 प्लस 0 into 2 into 2 फिर आप लिखेंगे प्लस 0 into 2 के पावर 1 है तो वह एक ही रहेगा, फिर प्लस 1 into 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 के पावर 0 का मतलब 1, आप इसको काउंट कर लीजिए 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। अब इसको काउंट करें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 16, प्लस का सिंबल है प्लस लगा लिए 2 2 जा 4 2 जा 8 8 1 जा 8, 2 2 जा 4 4 0 0, 2 0 0, 1 1 1 into 1 1। अब स्टूडेंट काउंट करिए 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 6 ठीक 25, ये आपका 16 25 base 10। अब ये बताइए हम पहले इसको 25 को ही कन्वर्ट किए थे तो ये आंसर आया, अब इसको कन्वर्ट किए हैं डेसिमल में तो ये आंसर आया, तो इसका आपका आंसर क्या होगा 25 base 10। स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हर बार पूछा जाता है, जब आपका यूनिट टेस्ट होगा तो उसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको आएंगे, बाइनरी चेंज बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ये आपको कन्वर्ट करने के लिए